आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल के लड्डू की रेसिपी। मूंग दाल हमारे लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होती है। इसमें काफी मात्रा में आयरन और प्रोटीन पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। इनको बनाना बहुत ही आसान होता है और इनका स्वाद तो इतना लाजवाब होता है कि आप अगर इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले गोंद को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई हल्की गर्म हो गई है। अब हम इसमें ये मैंने एक बड़े चम्मच गोंद ली है, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद जब हम इसको घी में रोस्ट करते हैं तो ये ज्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। मैंने गोंद को 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है, 2-3 मिनट। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। अब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गोंद को फिर से भूनेंगे। घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें गोंद को डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और गोंद फूल का डबल हो जाती है जब ये भून जाती है। गोंद हमारी भून गई है और एकदम बढ़िया फूल गई है। ये हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। मैंने गोंद को भून लिया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे और फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब हम इसमें सबसे पहले 1 कप घी डालेंगे। वजन में ये लगभग 200 ग्राम है। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसमें काजू डालेंगे और इसको घी में इस तरह से डिप करेंगे और इनको भून लेंगे। इस तरह से भूनने से हमें ड्राई फ्रूट्स को निकालने में आसानी रहेगी। काजू हमारे बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो हल्के पिंक हो गए हैं। इनको हमें इतना ही रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स आप ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन रोस्ट करके डालोगे तो इनसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबू आती है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम छन्नी को वापस घी में डिप करेंगे और अब हम इसमें बादाम को भून लेंगे। बादाम मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं और इनको मैंने कट करके लिया है और काजू भी मैंने 3 बड़े चम्मच ही लिए थे। इनको इस तरह से भूनने से क्या होता है कि हमें इनको निकालने में बड़ी आसानी रहती है। बादाम भी हमारे बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं और अब हम इनको भी निकाल लेंगे। और अब मैं ये 3 बड़े चम्मच पिस्ते ले रही हूँ, इनको भी इसी प्रकार से हम भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हो और उनकी क्वांटिटी भी आपको जितने पसंद हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। पिस्ते भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो इनका भी कलर बढ़िया सा हो गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। आपने देखा छन्नी में रखकर इनको फ्राई करने से कितना इजी हो गया इनको निकालना हमें। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हुए हैं। गोंद भी कितनी बढ़िया फूल गई है। अब हम इसी घी में मूंग की दाल के आटे को भूनेंगे, क्योंकि मैं मूंग की दाल के आटे से बना रही हूँ लड्डू। तो इसके लिए मैंने 1/2 किलो आटा लिया है और कब से बताऊँ तो मैं 1 कप 2 कप 3 कप और ये 1/2 कप 3.5 कप करीब ये आटा है। अब हम इसको लो फ्लेम पर बढ़िया सा भून लेंगे। हमें इसको लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि ये हल्का गुलाबी ना हो जाए और इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। हमारा मूंग दाल का आटा भूनकर तैयार हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे। इसमें मुझे घी कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच घी और डाला है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे और जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसको भूनने में लगभग 20 मिनट का समय लगा है और इसे मैंने एकदम लो फ्लेम पर भूना है। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। आटा थोड़ा नॉर्मल हो गया है और अब हम एक छन्नी लेंगे और इसमें बूरा शक्कर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम बूरा ले रही हूँ और कप से नापू तो 2 कप है ये। इसको हम छन्नी से छानकर डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें कोई लम्स या गांठे नहीं रहेंगे। 1 कप और डाल रही हूँ मैं। टोटल मैंने 250 ग्राम शक्कर डाली है। हमारे यहाँ पर चीनी थोड़ा कम पसंद करते हैं इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बूरा छान लिया है और आप देख सकते हैं इसमें ये बड़े बड़े जो दाने बच गए हैं इनको हम हटा देंगे। छानने से क्या होता है कि इसमें कोई लम्स नहीं रहते और हमें मिलाने में बड़ी सुविधा रहती है। और अब हम इसको अच्छी तरह से आटे के साथ मिला देंगे। मैंने इसमें बूरा थोड़ा मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर रखेंगे वो ऐड कर देंगे। ये जो हमने गोंद भून कर रखी थी इसको भी हम थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें गोंद को क्रश करके डाल दिया है और इसमें से मैंने थोड़े से पिस्ते बचाए हैं लड्डुओं को गार्निश करने के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को दोनों हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटा अभी थोड़ा गर्म है और गरम गरम में ही हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है, क्योंकि गरम गरम में ये आसानी से बन जाते हैं लड्डू। मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में और उसको रब करेंगे। अब इसको 1/2 लेंगे हम हाथ में और इनके इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप एक बार में एक ही लड्डू बनाएं। और इनको हमें छोटे साइज का ही बनाना होता है। मैं इनको छोटे साइज का बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं हमारे। अब हम इसमें ऊपर से एक पिस्ता लगा देंगे
और ये लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से इसमें पिस्ता लगा देंगे, पिस्ते से इसको गार्निश कर देंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा देती हूँ। अगर आपसे दो एक साथ नहीं बनते हैं तो आप थोड़ा सा मटेरियल लो हाथ में, इसको थोड़ा सा रब करो और दोनों हाथों से इस तरह से इसको गोल कर दो और आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो जो हमने ड्राई फ्रूट इसमें डाले हैं वो वैसे भी दिख रहे हैं, तो आपकी चॉइस है, आपको इसे गार्निश करना हो अलग से तो करें, वरना आप इनको ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। लीजिए, हमारे मूंग दाल लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है। अब आप भी इन्हें बनाइए और अपने फैमिली मेंबर्स को सरप्राइज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट पढ़ना और उनके रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने मेरी अलसी के लड्डू की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।